भाई बहनों, मैं कुछ दो उदाहरणों से बताना चाहता हूं, दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मांगवा करके खाता था। PIL 48, ये गेहूं को लाना और गांव गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। सभी IAS अफसरों को बिक्री रिपोर्ट देना पड़ता था, कहां पहुंचे, क्या हुआ। एक लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। फर्क देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा। हिंदुस्तान का आम आदमी विदेशी गेहूं खाने के लिए मजबूर नहीं होगा, ये संकल्प सरकार ने नहीं, मेरे देश के किसानों ने लिया, लाल बहादुर शास्त्री के आवाहन पर लिया और देश के अन्न के भंडार भर दिए। आज हमें विदेशों से गेहूं नहीं मंगवाना पड़ता, वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। फर्क लाल बहादुर शास्त्री। ये तो ये देश देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दी। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी और विधि में अवश्य कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने विस्फोट किया था, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बयान दिए थे इसमें अटल जी की कोई कमाल नहीं है तो वैज्ञानिकों की कमाल है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, 11 तारीख को जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की करामत थी, मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद, यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग नहीं। ताकत 11 वाले में जितनी है उससे ज्यादा ताकत 2 दिन के बाद 13 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें।